खबर सामने आई है। दिल्ली की रोहनी अदालत के अंदर हुई फायरिंग में पेशी लिया गए एक गैंगस्टर ताबड़तोड़ गोलियां चला के मौत के घाट उतार दिया गया। मामला रोहनी अदालत विखे एडिशनल सैशन जज गगनदीप सिंह की कोर्ट नंबर 207 के दरवाजे के बाहर वापरिया। जद पेशी लिए लिया गए नामी गैंगस्टर जतिंदर गोगी नू निशाना बना के वकीलों के भेस विच कोर्ट कंपलैक्स विच पुजे दो गैंगस्टर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की बाहर नू भज निकले। मामला रोहनी अदालत विच कोर्ट नंबर 207 के दरवाजे के बाहर वापरिया है। जद पेशी लिए लिया नामी गैंगस्टर जतिंदर गोगी नू निशाना बना के वकीलों के भेस विच मार दिता गया। पुलिस ने हमलावरों का पिछा भी किया। हुई गोलीबारी विच दो हमलावर मारे भी गए। ये दिल्ली दे ही टिल्लू गैंग नाल संबंधित दसे जा रहे ने। सर सत्यनारायण शर्मा जी, क्या हुआ यहाँ पर रोनीकोट के अंदर? आप जो मौजूद हैं इस समय, क्या क्या घटना घटित हुई है यहाँ पर? कोर्ट नंबर 207 में जी सवेरे बेल मैटर्स की हियरिंग चल रही थी। मैं भी किसी बेल मैटर में वहीं पे अपीयर हो रहा था जी। तो वहीं पे जैसे ही बेल मैटर कंप्लीट करके हम कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उसके कुछ देर के अंदर ही कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग स्टार्ट हो गई। दो असाइलेंट जो हैं वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको पुलिस ने एट द स्पॉट रेड कर दिया है। और एक को अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि एक को मौके से ही अरेस्ट किया है। एक गैंगस्टर गोगी जो है उनको भी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज करने की इन्फॉर्मेशन है, वो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया है यहाँ से। आज का वाक्य जो है बहुत ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। इस पे आज मेरे ख्याल से कोर्ट के इतिहास में ऐसा वाक्या आज पहली बार हुआ है जहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने फायरिंग हुई है, जहाँ पे इतना बड़ा वाक्या हो गया कि एक तरह से अप्रोक्सीमेट जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि शायद 3 डेथ एट द स्पॉट हो गई है। तो मैं एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं ये कहता हूँ कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स की भी, लॉयर्स की भी, लिटिगेंट्स की भी, सबकी लाइफ स्टेक पे है। और इस चीज़ को जितना जल्दी इम्प्रूव किया जाए उतना जल्दी इसको इम्प्रूव करना चाहिए। शर्मा जी, ये दोनों एडवोकेट की वर्दी में बताए गए दोनों जो फायरिंग करने वाले थे उनके नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। उनके साथ और भी कितने लोग थे या नहीं थे वो भी एक तरह से मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर भी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपके वकील की वर्दी के काले कोट और वाइट शर्ट में बताया जा जो उस पे, देखो हमारा कहना ये है कि बार एसोसिएशन टाइम टू टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट जज से मिलके, हाईकोर्ट से मिलके सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है पहले भी रेज करते रहे हैं। ऐसे पहले भी दो बार वाक्य हो गए हैं कि एक बार तो लॉकअप के पास में ही एक मर्डर हो गया था, एक बार कोर्ट रूम से नीचे अक्यूज को लेके आते हुए इस तरह का वाक्य हो गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार जो इंसिडेंट हुआ है ये इतना हॉरिफाइंग एक्ट है, ये कोर्ट रूम के अंदर हुआ है। और जहाँ पे जज साहब डायस पे बैठे हुए थे उनके और असाइलेंट के बीच में मेरे ख्याल से अब सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस बाकी है। 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक असाइलेंट अभी भी कोर्ट रूम के अंदर एज ए उसकी डेड बॉडी अभी तक भी कोर्ट रूम के अंदर ही पड़ी हुई है। पुलिस मौके पे है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत ही ग्रेट, मतलब एक तरह से इतना सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है, इसके ऊपर ध्यान देने की। ठीक है। दिल्ली तो ब्यूरो रिपोर्ट, वधेरे खबरां लई तुसी देखदे रहो जीत वेब टीवी।